वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हाउ टू शेड विदाउट ब्लेंडिंग. रियलिस्टिक ड्राइंग इज जस्ट इम्पॉसिबल. सो इन दिस वीडियो हम जानेंगे कैसे आप स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं फॉर ब्लेंडिंग एंड कैसे उसको क्लीन करते हैं. वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप सीमलेस ब्लेंडिंग कर सकते हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है. एंड इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा, जहाँ पे मैंने 3D शेप्स एंड पेंसिल स्ट्रोक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है, तो लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ चेक दिस आउट. आज मैं यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग्स के बारे में डिस्कस करूँगी. अगर मेरे बताए हुए टूल्स आपको खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली गो टू द वीडियो. सो द फर्स्ट इज लेयरिंग, जहाँ पे हमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज करने की जरूरत नहीं है. लाइटर ग्रेड की पेंसिल से डार्कर ग्रेड की पेंसिल तक हम लेयर बाय लेयर इसको ब्लेंड करते रहेंगे एंड इसको क्रिएट करेंगे. हाउ, चलिए देखते हैं. सबसे चीप एंड इफेक्टिव ब्लेंडिंग टूल्स है ईयरबड. आईबॉल या बटन्स, ऐसा कुछ अगर कोई हार्ड शेडिंग है वो ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यूज करती हूँ ईयरबड्स. स्किन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ईयरबड्स यूज करके ब्लेंडिंग करें, क्योंकि ये इस पर बहुत टाइम भी लगता है एंड स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हो पाती. ब्लेंडिंग के लिए मैं पर्सनली ये 2 टाइप के ब्रश यूज करती हूँ. बाय द वे, ये दोनों ही मेरा मेकअप ब्रश है. नाउ मैं इन दोनों से आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. एंड ब्रश से ब्लेंड करने के टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्रॉस हैचिंग मेथड से अगर शेडिंग करोगे देन ब्लेंड करने में बहुत ही आसानी होगी. एक टिश्यू को आप कुछ ऐसे फोल्ड करके एज अ ब्लेंडिंग टूल आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस. चलिए करके देखते हैं. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop. A little bit expensive option for blending is blending stamp. Actually, mein ye bahut hi acha blending tool hai. It's amazing for clothes ya kuch glam wala makeup look up drawing kar rahe ho, eye makeup. नाउ द प्रॉब्लम इज़ हम इसे यूज़ तो कर लेते हैं, बट इसमें जो ग्राफाइट और चारकोल पाउडर रह जाता है इसको हम साफ कैसे करें. टेक अ सैंड पेपर एंड नाउ इज़ अ टाइम फॉर सम टिप्स एंड ट्रिक्स. फर्स्ट, ऑलवेज शेड इज अ क्रॉस हैचिंग मेथड फॉर ब्लेंडिंग. नंबर 2, स्केच प्रॉपरली फॉर ब्लेंडिंग. आप यहाँ तक स्केच कर रहे हैं एंड यहाँ तक उस ग्राफाइट को खींच खींच के ब्लेंडिंग कर रहे हो, ये मत करना. ये बहुत ही खराब दिखता है एंड रियलिस्टिक लुक तो कभी भी नहीं आएगा. नंबर 3, डोंट यूज़ योर फिंगर्स फॉर ब्लेंडिंग. इससे कि आपकी ग्राफाइट बहुत ही फेड हो जाएगा एंड कुछ ज़्यादा टेक्स्चर देखने को नहीं मिलता है, सो डोंट यूज़ दैट. नंबर 4, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर पेंसिल को आप लेस देन 45 डिग्री एंगल पर पकड़ते हैं देन शेड इवन होगा, तो ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होगी. एंड द 5th पॉइंट इज कि जो ब्रश आप चारकोल पेंसिल के वक्त यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्लेंडिंग, वो ग्राफाइट ड्राइंग के समय मत करना, जस्ट मत करना. तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग. Please tell me that I can't, that I won't.